वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल, दिस इज हितेश हियर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केस स्टडी ऑन स्ट्रेस। ये एक साइकाइट्री का टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख लेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और डायग्नोसिस लिखेंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट चीफ कंप्लेन लिख लेंगे पेशेंट की। प्रेजेंट चीफ कंप्लेन के बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ट्रीटमेंट हिस्ट्री और पास्ट साइकाइट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी लिख लेंगे हम। इसके बाद हम पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, जिसके अंदर की पेरीनेटल हिस्ट्री सबसे पहले, जिसके अंदर क्या क्या जाएगा, एंटरनेटल पीरियड, इंटरनेटल पीरियड, बर्थ किस प्रकार का था, नॉर्मल डिलीवरी थी या फिर एबनॉर्मल थी, बर्थ डिफेक्ट वगैरह तो नहीं था, पोस्टनेटल पीरियड कैसा था, कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं आया था, कुछ वो चीज़ें लिख लेंगे हम। इसके बाद हम चाइल्डहुड हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, भाई प्राइमरी केयर गिवर कौन था, फीडिंग किस प्रकार की थी, एज ऑफ वीनिंग क्या है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन कैसे हैं, बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं थी कोई सी, एलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड अगर कोई रही थी तो उसके बारे में लिख लेंगे। इसके बाद हम एजुकेशनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की। एजुकेशनल हिस्ट्री के बाद में प्ले हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की। प्ले हिस्ट्री के बाद इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंट, इसके बारे में लिखेंगे। इसके अंदर की स्मोकिंग, ड्रग, बैड हैबिट वगैरह तो नहीं थी कोई, कोई स्पेसिफिक इमोशनल प्रॉब्लम रही थी तो उसके बारे में लिख लेंगे। प्यूबर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ऑक्यूपेशन के बाद मैरिटल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, भाई मैरिड है, अनमैरिड है, मैरिड है तो आगे की डिटेल लिख लेंगे हम। इसके बाद हम प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी के बारे में लिखेंगे पेशेंट की, भाई आईपीआर कैसा है, फैमिली एंड सोशल रिलेशन कैसे हैं, यूजुअल स्ट्रेस रिएक्शन कैसा है, प्रीडोमिनेंट मूड कैसा है, ठीक है। इसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिख लेंगे, पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री लिख लेंगे। इसके बाद जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, भाई जो भी वाइटल्स हैं सबसे पहले उसके बारे में लिख लेंगे। उसके बाद जो भी बॉडी के सिस्टम्स हैं हमारे, अगर उनके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह चीज़ें देखने को मिल रही है हमको एबनॉर्मल, तो उसके बारे में लिख लेंगे हम। इसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर सबसे पहले जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर कैसा है पेशेंट का, भाई अपीयरेंस किस प्रकार का है, देखने में कैसा दिख रहा है पेशेंट। इसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, फेशियल अपीयरेंस कैसा है, लेवल ऑफ ग्रूमिंग किस प्रकार की है, कपड़े भाई जो भी उसने कपड़े पहन रखे हैं वो सही प्रकार से पहन रखे हैं, वेल ड्रेस्ड है या फिर नहीं है। इसके बाद कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है पेशेंट का, बिहेवियर किस प्रकार का है, आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। इसके बाद साइकोमोटर एक्टिविटी कैसी है, पोस्चर कैसा है, अदर कोई मूवमेंट तो नहीं है, अदर कैटोनिक एक्टिविटी वगैरह है क्या नहीं है। इसके बाद हेलिनेटरी बिहेवियर तो नहीं है, हो तो उसके बारे में लिख लेंगे। इसके बाद हम स्पीच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि इनिशिएशन ऑफ स्पीच किस प्रकार की है, इनिशिएशन ऑफ स्पीच के बाद रिएक्शन टाइम कैसा है, रेट कैसी है, प्रोडक्शन किस प्रकार का है स्पीच का, ठीक है, टोन कैसी है। इसके बाद मूड एंड अफेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि मूड कैसा है, प्लीजरेबल है, अनप्लीजरेबल है या फिर अदर कोई है, जैसे कि एनजाइटी या एपैथी वगैरह। इसके बाद थॉट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम, थॉट किस प्रकार के हैं पेशेंट के। थॉट के बाद में परसेप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे पेशेंट के, जैसे कि एल्यूजन, डिपर्सनलाइजेशन, हेल्यूजनेशन वगैरह, इनमें से कुछ है क्या। इसके बाद में कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में लिखेंगे पेशेंट के, जैसे कि कॉन्शियसनेस के बारे में लिखेंगे, कॉन्शियस है, क्लाउडी कॉन्शियसनेस है, स्टुपर है या कोमाटोज्ड है। इसके बाद ओरिएंटेशन है कि नहीं है प्रॉपर, अटेंशन कैसा है, जजमेंट कैसा है। इसके बाद मेमोरी कैसी है पेशेंट की, मेमोरी के बाद मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, हाइपर एक्टिव है, डिसएक्टिव है या फिर डिक्रीज एक्टिविटी है। इसके बाद में हम इनसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे पेशेंट की, जैसे कि रिलेटेड टू 1 to 6 point scale, ठीक है, जो भी है उस पर हम टिक कर देंगे। इसके बाद में नीडो पेशेंट लिख लेंगे, जो जो हमको फुलफ़िल करनी है नीड्स, ठीक है, ये नीडो पेशेंट हो जाएंगी। इसके बाद हम डिजीज डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे पेशेंट का, डिजीज़ का ये इंट्रोडक्शन लिख लेंगे सबसे पहले तो हम, स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन लिख लेंगे हम। डेफिनेशन के बाद कॉजेज, एटियोलॉजी के बारे में लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू बुक एंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट, ये एटियोलॉजी हो जाएगी। इसके बाद में सिम्टम्स लिख लेंगे, ठीक है, सिम्टम्स के बाद इन्वेस्टिगेशन जो भी करेंगे हम, मतलब डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, उसके बारे में लिख लेंगे। ट्रीटमेंट के बारे में लिख लेंगे, साइकोथेरेपी, साइको मेडिकेशंस। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में लिखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम एनसीवी बनाने वाले हैं। सबसे पहले असेसमेंट करेंगे हम, जिसके अंदर की सबसे पहले वाइटल्स चेक कर लेंगे पेशेंट के, इमोशनल स्टेटस देख लेंगे पेशेंट का, लेवल ऑफ स्ट्रेस देख लेंगे, एनजाइटी देख लेंगे। इसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस देख लेंगे पेशेंट का,
नॉलेज लेवल देख लेंगे पेशेंट का, ठीक है, ये असेसमेंट हो जाएगा। असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस, जिसके ऊपर हम एमसी बनाएंगे। सबसे पहले एनजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट का हो जाएगा, सेकंड इनफेक्टिव इंडिविजुअल कॉपिंग, थर्ड फैटिग, फोर्थ लो सेल्फ स्टीम, और फिफ्थ का नॉलेज डेफिशिएट का, ये हमारे डायग्नोसिस हो जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले हम एनसी बनाते हैं। पहला एनसीपी हो जाएगा हमारा फियर एंड एनजाइटी का रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। ठीक है, आप लिखने के लिए वीडियो क्वालिटी हाई कर लें और वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, वीडियो लास्ट तक देखें, मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा कैसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप। ये पहला एनसीपी हो जाएगा हमारा। सेकंड एनसीपी हो जाएगा हमारा इन्वेक्टिव इंडिविजुअल कॉपिंग का। थर्ड एनसीपी हो जाएगा हमारा फैटिक का। फोर्थ एनसीपी हो जाएगा हमारा लो सेल्फ स्टीम का। फिफ्थ एनसीपी हो जाएगा हमारा नॉलेज डेफिशिएट का। ठीक है, इसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, कौन कौन सी हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी। ये हेल्थ एजुकेशन हो जाएगी हमारे जो पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे हम। हेल्थ एजुकेशन के बाद लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी के बारे में लिख लेंगे, भाई हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए कोई भी बुक का रेफरेंस लिया है तो बुक्स के नेम हो जाएंगे, जैसे कैपी नीरजा हो गई, आर श्रीवानी, सैमुअल बिगोज, ये हमारे बिब्लियोग्राफी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। अगर कोई कमी लगती है तो वो भी बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। और एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, वहाँ पर साइकाट्री की और भी सारे सब्जेक्ट्स की नर्सिंग से रिलेटेड लगभग लगभग बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पड़ी हुई हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।